हाई एवरीवान एंड यू वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आप लोगों के लिए मैक स्पाइसी पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ एंड अगर आपने मैग्डी में इस बर्गर को खाया है या कभी भी टेस्ट किया है देन यू वुड बी नोइंग अबाउट द टेस्ट ऑफ दिस बर्गर इट इज़ वेरी स्पाइसी लिटिल बिट टैंगी बट वेरी टेस्टी टू इट अलॉन्ग विद दैट जो इसका स्प्रेड है वो भी हम घर पर ही बनाएंगे तो बिना किसी तरीके लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका स्प्रेड बना लेते जिसके लिए मैं ले रही हूँ टू टेबल स्पून ऑफ वाइट मेनीस

तो यहाँ पर ये बन करके रेडी है नाउ लेट इस प्रिपेयर द स्लरी तो स्लरी के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है हाफ कप ऑफ मैदा एंड नेक्स्ट वी विल बी एडिंग सम वाटर टू इट इनिशियली थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ज़्यादा पानी एक साथ ऐड करने से जो स्लरी की कंसिस्टेंसी है वो हमें पता नहीं चल पाती है या तो ज़्यादा पतली हो जाती है या ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है या उसमें लम्ब भी रह जाते हैं तो अभी इसमें मैदा और पानी अच्छे से मिक्स हो गया है ऑल्सो जो इसके लम्ब् हैं वो भी निकल गए सो नाओ वी विल स्टार्ट एडिंग द वॉटर तो इसमें पानी धीरे धीरे ही ऐड करेंगे सो so दैट की जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतनी ही, ही इसमें रहे बहुत ज़्यादा पतला या गाढ़ा ना हो एंड लास्ट में मैं आपको शो कर दूँगी कि ये कितना हमें पतला रखना है तो यहाँ पर स्पून की हेल्प से मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखिए बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है बस ऐसे स्पून को कोट करना चाहिए तो आप भी इस तरीके से कोट करके चेक कर सकते हैं नेक्स्ट इंटू दिस वी आर एडिंग सम स्पाइसेस सो हाफ टी स्पून ऑफ़ ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे अलॉन्ग विद दैट हाफ़ टी स्पून ऑफ़ रेड चिली पाउडर some सॉल्ट as per द टेस्ट एंड half teaspoon of ऑफ masala मसाला एंड थ्री फोर टी स्पून ऑफ आमचूर पाउडर क्योंकि जो मिक्स स्पाइसी होता है जैसा कि मैंने बताया वो स्पाइसी भी होता है एंड इट इज़ लिटिल बिट टैंगी एज वेल तो यहाँ पर आप चाहें तो आमचूर या खटाई पाउडर जो भी अवेलेबल हो वो ऐड कर सकते हैं साथ में जाएगा हाफ टी स्पून ऑफ़ जिंजर गार्लिक पेस्ट यू कैन यूज़ द रेडीमेड वन ऑल्सो विच कम्स इन द मार्केट अब यहाँ पर हमने पनीर के पीसेस लिए हुए हैं तो पनीर के पीसेस को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है एंड जो थिकनेस है वो इसकी हमें हाफ इंच जितनी रखनी है एंड ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं फ्रेश ब्रेड लेनी है उसको मिक्सर जार में चला करके इस तरीके से क्रम्स बना लेना है सो अब पनीर के एक एक पीस को हमको लेना है और इस तरीके से स्लरी से कोट कर लेना है आप चाहें तो इसको स्पून की भी हेल्प से कोट कर सकते हैं और यहाँ पर बस इसको हमने कर दिया है अब इसको जब हम फोक्स से इस तरीके से उठाते तो क्या होता है जितना भी एक्स्ट्रा बैटर है वो ड्रेन हो जाता है ऑल्सो हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते हैं सो मेक श्योर कि जितना भी एक्स्ट्रा बैटर है वो ड्रेन आउट हो जाए क्योंकि अगर ज़्यादा बैटर रहेगा तो ब्रेड क्रम्स वो ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे और अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा तो इस तरीके से हमने इसको कोट कर लिया है फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड अब हाथों की हेल्प से अच्छे से प्रेस कर लेना है सो so दैट की क्रम्स इसमें चिपक जाएँ एंड फ्राई करते समय वो बाहर ना निकलें सो दीज ऑल पीसेस आर रेडी टू बी फ्राइड तो यहाँ पर मैंने ऑयल रखा हुआ है मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में और इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन फ्लेम को लो पर बिल्कुल भी मत रखिएगा उससे क्या होता है कि जो ये पीसेस हैं पनीर के दे कैन एब्जॉर्ब अ लॉट अमाउंट ऑफ ऑयल एंड ऑल्सो दे कैन टर्न च्यू एज वेल काफ़ी हार्ड भी हो सकता है पनीर का पीस तो यहाँ पर मैं आपको सारे साइड से दिखा देती हूँ कि कितना क्रिस्पी ये फ्राई हुआ है तो इसको पाँच से छः मिनट लगे थे आ, फ्राई होने में अब हमें बर्गर बंस को प्रिपेयर कर लेना है तो जस्ट थोड़ा सा बटर लगाएंगे बर्गर बंस को मैंने हाफ में कट कर लिया है और जो नीचे वाली साइड है सिर्फ उसे ही हमें सेकना है तो यहाँ पर बस इसको एक मिनट लगा था सीखने में बिल्कुल हल्का हल्का सा सीखना है इसको एवरी थिंग इज रेडी नाउ लेट नाउ असेंबल द बर्गर और उसके लिए सबसे पहले मैं स्प्रेड लगा रही हूँ दोनों साइड्स पे एंड uh, यहाँ पर स्प्रेड में एंड स्लरी दोनों में हमने चिली फ्लेक्स एंड चिली पाउडर का अच्छा खासा यूज़ किया था क्योंकि ये स्पाइसी बर्गर होता है स्टिल इफ़ यू वॉन्ट आप स्पाइसीनेस अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं वैसे पनीर का अपना खुद का इतना कोई टेस्ट नहीं होता है सो इट विल नॉट ऐड मच स्पाइसीनेस टू इट बट इट विल डेफिनेटली ऐड फ्लेवर्स टू इट सो बर्गर हमारा बन करके रेडी है एंड इट इज़ लुकिंग वेरी डिलिशियस एंड टेम्पटिंग सो आई होप कि सिंपल सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आप चाहें तो इसमें प्याज टमाटर भी ऐड कर सकते हैं वैसे जो मैगी वाला बर्गर होता है ना उसमें प्याज और टमाटर नहीं होता इस वाले बर्गर में सो आई हैव ऑल्सो नॉट एडेड इट सो so, इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना मत भूलिएगा कि कैसी बनी है एंड ऑल्सो आई होप दैट यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो इफ यू डिड देन प्लीज़ टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो इफ यू न्यू टू माई चैनल यू आर मोस्ट वेलकम टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट सी सिया स्टे ब्लेस्ड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाई फ्रॉम मी